व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई रियली होप आपको पूरी दुबई सीरीज पसंद आई होगी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सीरीज ऑन माई चैनल एंड हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में पूरी दुबई सीरीज। एंड राइट नाउ आई मीन एंटालिया टर्की, एंड आज से टर्की सीरीज स्टार्ट है। कल रात को ही मैं यहाँ पर आया हूँ पोलैंड से, एंड मैंने रात को शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी थी तो टाइम नहीं मिला। सो इट्स ऑफिशियली डे वन इन एंटालिया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा एंटालिया के बारे में क्योंकि इस्तांबुल इज़ दी मोस्ट फेमस एंड टूरिस्टिक सिटी ऑफ टर्की, बट एंटालिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है टर्की में। मैं आपको दिखाता हूँ आज के व्लॉग में। इट्स लोकेटेड बाय द सी, बट मेरा मेन पर्पस एंटालिया आने का एंटालिया विजिट करना नहीं था। मेरी यहाँ से कल सुबह फ्लाइट है कैपेडोकिया की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑन द प्लानट और टर्की की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। तो मेन मुझे वहाँ पर जाना है, बट क्योंकि कैपेडोकिया की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पोलैंड से, इसीलिए मुझे पहले एंटालिया आना पड़ा। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको एक व्लॉग में एंटालिया भी दिखाऊं, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ के ओल्ड टाउन, जो यहाँ का मेन सिटी सेंटर है, एंड आपको वो दिखाता हूँ। बहुत ही हिस्टोरिक सिटी लग रही है। इस्तांबुल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़। तो अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 35 to 37 डिग्रीज टेम्परेचर है, तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि पोलैंड जैसा वेदर होगा, बट अ गुड थिंग इज़ कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो पसीना वगैरह नहीं आ रहा, इवन दो दिस सिटी इज़ बाय द सी। एंड जहाँ पर अभी मैं हूँ ये मेन स्ट्रीट है जो यहाँ के ओल्ड टाउन तक जाती है। मैंने बिल्कुल सेंटर पे अपना एयरबिन भी बुक कराया था ताकि पूरी सिटी बाई फुट एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि इस बार मैंने गाड़ी नहीं रेंट करी है। तो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक है मेन ओल्ड टाउन की। मैं सेंटर की तरफ वॉक करते हुए जा रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस रियली रियली ब्यूटीफुल स्ट्रीट। जस्ट लुक एट दिस, इन्होंने इतनी सारी ऐसे कलरफुल अम्ब्रेलाज लगाई हुई हैं। दुबई में भी एक बहुत सिमिलर जगह है, बट दिस वन लुक्स वे बेटर। एंड स्ट्रीट के दोनों साइड सारे रेस्टोरेंट्स, ज्वेलरी शॉप, सुविनियर शॉप, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सेंटर में है ये एंटालिया के। एंड इस सिटी में सारी ऐसी ट्रैम्स चल रही हैं अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एंड टर्की में चाहे फिर वो इस्तांबुल हो या फिर एंटालिया, हर 100 मीटर पर आपको बकलावा एंड टर्किश डिलाइट की शॉप मिलेंगी, एंड दे आर सो डिलिशियस। बहुत मन कर रहा है टर्किश टी एंड टर्किश डिलाइट खाने का, तो कोई अच्छी शॉप ढूंढता हूँ एंड आपको सारे टर्किश डिलाइट दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है पूरा मेन सेंटर यहाँ एंटालिया का, एंड इसके बिल्कुल सामने मरीना बाज़ार है। तो मरीना बाज़ार चलते हैं, वहाँ पर कोई टर्किश डिलाइट की शॉप ढूंढता हूँ। एंटालिया बहुत ही सीनिक सिटी है, यहाँ पर माउंटेन्स एंड बीचेस सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है ओल्ड टाउन बाज़ार, मरीना पोर्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है बाज़ार। पूरे टर्की का सबसे फेमस बाज़ार तो है ग्रैंड बाज़ार, जो इस्तांबुल में है, एंड दैट्स अ मस्ट विजिट इफ़ यू आर इन टर्की। बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक यहाँ एंटालिया में गार्डन रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने एटलीस्ट 7-8 यहाँ पर गार्डन कैफेज़ देख लिए, सारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सो मे बी आई विल गो टू वन फॉर लंच। ये वाला बाज़ार रास्ता बाज़ार के बहुत सिमिलर है जो इस्तांबुल में है। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, टर्किश लैम, टर्किश डिलाइट, बकलावा, सुविनियर्स। लुक एट दिस, ये है टर्किश लैम्प्स। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल बाज़ार है, ऑन द हिल बना हुआ है, तो काफ़ी सारे अप हिल्स एंड डाउन हिल्स हैं। 100% मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप एंटालिया आओ। एंड ये बाज़ार ओल्ड टाउन से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर ओल्ड हार्बर पर आके ख़त्म होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा हार्बर है, ये है यहाँ का ओल्ड हार्बर। आप यहाँ से अपनी बोट राइड बुक कर सकते हो अगर आपको बोट राइड प्लान करनी है। एंड अब मैं आपको टर्किश डिलाइट दिखाता हूँ कि टर्किश डिलाइट कैसे होते हैं। दिस वन टर्किश डिलाइट विदाउट शुगर, आई थिंक इट्स फॉर हनी मिक्स। दिस इज विद हनी फॉर नेचुरल। दिस वन एंड व्हिच वन इज दिस वन? दिस इज फॉर कॉफी हेज़लनट एंड हलवा मिक्स। सो दिस इज कॉफी हेज़लनट एंड हलवा। टर्किश डिलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीट स्नैक्स यू कैन हैव एंड यू हैव सो मेनी फ्लेवर्स। अभी मैंने ट्राई किया कॉफी हेज़लनट एंड हलवा एंड दे आर ब्रिंगिंग मी सम मोर। बहुत ही टेस्टी होता है, तो अगर आप टर्की आओ तो थोड़े बहुत टर्की डिलाइट जरूर लेके जाना अपने साथ वापस। मैं आपको थोड़े बहुत और फ्लेवर दिखाता हूँ एंड देन आई विल बाय सम। एंड दिस वन हेज़लनट्स, मिल्क एंड मार्शमेलो। ओह नाइस, गाइस लुक एट दिस। वेरी टेस्टी। ये सारे फ्लेवर हैं इनके पास। I'll take a little bit of this one. Yeah. This one. And maybe this one. Chocolate var ya o sağdaki. Yeah, chocolate. Yes. And I'll take one more. Maybe this one. Mustafa sondaki yok mu, kırmızı yine alayım. Camın sonu o. And ye sare Turkish lamps hain. So ye sari Turkish teas hain. And they also have Turkish jewelry.
सो मैंने लिए हैं 500 ग्राम मिक्स टर्किश डिलाइट्स एंड अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि 2 बज गए हैं एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करा है। एंड ये है ओल्ड पार्ट बाजार का, जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो सारा आउटसाइड एरिया था एंड ये पूरा इंडोर एरिया भी है, बहुत बड़ा बाजार है एंड इंडोर एरिया पूरा फुली एसी है, तो अगर बाहर गर्मी भी है तो आप इजीली बाजार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, आप टर्की की कोई भी सिटी विजिट करो तो आइदर टर्किश डिलाइट या फिर बकलावा ज़रूर लेना घर के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बाज़ार एक्सप्लोर करने के बाद मैं लंच करने आया हूँ यहाँ के लूना गार्डन रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा ओपन गार्डन रेस्टोरेंट है। इट्स नॉट अ टर्किश रेस्टोरेंट क्योंकि टर्किश खाना खाने का मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड टर्किश खाना इज़ मोर अबाउट कबाब्स एंड एवरीथिंग। तो टर्किश खाना खाने तो मैं डिनर के लिए जाऊँगा, अभी मैंने ऑर्डर करी है सुशी एंड अ नाइस रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बहुत ही अच्छी वाइब है इस रेस्टोरेंट की, पूरा ओपन गार्डन रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है। जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था, आई थिंक यहाँ अंटालिया में गार्डन रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे मैंने ओपन गार्डन रेस्टोरेंट देखे एंड दिस वॉज द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू गूगल। दिन के ऑलमोस्ट 3:30 बज गए हैं एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट तो मेरा स्किप ही हो गया, सुबह सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी मैंने स्टारबक्स पे, तो मैं सीधा लंच के लिए आया हूँ एंड लंच के बाद मैं वापस एयरबीएनबी जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड सनसेट पे आपको यहाँ का एक बहुत ही फेमस बीच दिखाऊंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है बीच पे जाने के लिए एंड क्योंकि अंटालिया बाय द सी लोकेटेड है तो सुशी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज इट्स मेनली मेड विद सी फूड एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सी फूड अवेलेबल है। सो लेट्स सी सुशी कैसी होती है। राइट, थैंक यू। सो आवर ड्रिंक इज़ हियर एंड वो रोलर स्केट्स पे सर्व कर रहे हैं विच इज़ सो कूल। सो ड्रिंक में मैंने ऑर्डर करी है शुगर फ्री रेड बुल विद सम पाइनएप्पल स्लाइसेस, सम बेसिल, सम स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस। बहुत ही नाइस एंड रिफ्रेशिंग है। अब मुझे पता लगा कि यहाँ अंटालिया में गार्डन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट इतना फेमस क्यों है। मैंने नोटिस किया हर बंदा सिगरेट पी रहा है मेरे अलावा, मतलब जितनी भी टेबल है ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सिगरेट नहीं पी रहा एंड क्लोज रेस्टोरेंट में आई थिंक अलाउड नहीं होगा सिगरेट पीना, इसीलिए इन्होंने इतने सारे यहाँ पर ओपन गार्डन रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। द फूड इज़ हियर, मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको सुशी कैसी है। लुक एट दिस, बहुत ही टेस्टी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टर्की में भी इतनी टेस्टी सुशी मिल सकती है। इट्स फाइनली सनसेट टाइम नाउ एंड अब वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, अराउंड 22-23 डिग्री होगा, शाम के 7:30 बजे हैं। टर्की में भी सनसेट थोड़ा लेट होता है यूरोप की तरह एंड अब मुझे जाना है पूरे अंटालिया के सबसे फेमस बीच द कोयाल्टी बीच एंड उसके लिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, अराउंड 30 मिनट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऊबर नहीं वर्क करती और मैं सर्च कर रहा था कि अगर और कोई ऐप है तो टर्की में बी टैक्सी ऐप है बट वो भी सिर्फ इस्तानबुल एंड अंकारा में चलती है, 2 सिटीज़ में, बट जो यहाँ की मेन स्ट्रीट है सेंटर के पास वहाँ इतनी सारी टैक्सी खड़ी थी तो वहीं जाके टैक्सी लेता हूँ एंड आपको लेके चलता हूँ यहाँ के कोयाल्टी बीच। अगर मैं इस्तानबुल से कंपेयर करूँ तो ये सिटी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इस्तानबुल में आपको बहुत ज़्यादा यूरोपियन इन्फ्लुएंस मिलेगी क्योंकि आधा इस्तानबुल यूरोप में है बट ये पूरी सिटी एशिया में है, तो यहाँ का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। एज़ यू कैन सी ये स्ट्रीट पूरी इतनी ज़्यादा लाइवली है एंड लेफ्ट में बिल्कुल सनसेट हो रहा है, तो जल्दी से टैक्सी ढूँढता हूँ। टैक्सी ने मुझे थोड़ा सा दूर ड्रॉप करा है बीच से क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था एंड वॉकिंग सिर्फ 2 मिनट है, तो मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ बीच की तरफ। ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे पाम ट्रीज हैं बट स्पेशल चीज़ ये है कि बीच के बिल्कुल सामने बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, तो एक बहुत ही सीनिक व्यू है बीच से भी। आई डोंट नो व्हाई बट पाम ट्रीज रियली एड्स अप टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। मुझे लगता है कि पाम ट्रीज जहाँ भी होते हैं वो प्लेस वैसे ही ब्यूटीफुल लगती है। टर्की में भी इन्होंने हर सिटी में बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है अपनी रोड्स वगैरह, तो सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज वे में होती हैं एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि गाड़ी रेंट करनी चाहिए थी क्योंकि अंटालिया में सारी चीज़ें काफ़ी दूर दूर हैं। जितनी भी यहाँ की अट्रैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स हैं, वो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अगेन वो 30-40 मिनट दूर है यहाँ से और कल मेरी सुबह सुबह की फ़्लाइट है एंड इस कोयाल्टी बीच के बिल्कुल पास में है यहाँ का अंटालिया एक्वेरियम, बहुत सिमिलर है दुबई एक्वेरियम के, मैंने वेबसाइट देखी थी इनकी। तो अगर आपने दुबई नहीं विजिट किया है एंड आप टर्की आओ पहले
तो आप ये अंटालिया एक्वेरियम भी जा सकते हो, बिल्कुल सेम है जो दुबई मॉल में एक्वेरियम है, बिल्कुल वैसा। आई थिंक यहाँ पे रोलर स्केटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इतने सारे बच्चे स्केट्स चला रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट सो नाइसली। जैसे स्केटबोर्ड प्रैक्टिस के लिए जगह होती है, वैसे यहाँ पर इन्होंने रोलर स्केट्स के लिए बनाई हुई है एंड बच्चे ट्रिक्स वगैरह कर रहे हैं। इस साइड ये पूरा बीच है, अराउंड 1 किलोमीटर लंबा आराम से होगा ये बीच, एंड इतने सारे लोग आए हुए हैं। एंड ये जो सी है साथ में, दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीज इन द वर्ल्ड। बीच के बिल्कुल सामने इतनी ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, तो इतना सीनिक व्यू है बीच से। आई रियली थिंक शाम को बिल्कुल परफेक्ट जगह है रिलैक्स करने के लिए। पानी का टेम्परेचर देखता हूँ कि यहाँ पर सी का टेम्परेचर क्या है। ग्रीस में तो बिल्कुल आइस कोल्ड होता है वाटर। लुक एट दिस वेव्स, ग्रीस जितना ठंडा तो नहीं है पानी, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस। काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ स्विम करने में। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना कॉस्ट्यूम नहीं लाया। एंड बीच के ऑपोजिट सारे शैक्स वगैरह बने हुए हैं खाने पीने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो एक दिन मैं पूरा यहीं स्पेंड करता। आप चिल ड्रिंक्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हो इन शैक्स पे। बहुत ही एक अच्छा कॉफ़ी हाउस है यहाँ पर, मैं भी सोच रहा हूँ एक जाके कॉफ़ी लेता हूँ। एंड ऑफकोर्स आप बीच पर सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, जैसे जेट स्कीइंग, फ्लाई बोर्डिंग, बनाना बोट। पीछे सारी जेट स्कीज खड़ी हैं, लोग खुद की जेट स्की भी लेके आए हुए हैं यहाँ पे। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने आज तक किसी सिटी में नहीं देखी। आई डोंट नो कि ये सिर्फ यहीं पर है या फिर मैंने कभी नहीं देखी। तो इन्होंने बीच की मेन रोड पे हर पोल पे ये बटन लगा रखे हैं, अगर आपको टैक्सी बुलानी है सो यू जस्ट प्रेस दिस एंड आपके पास टैक्सी आ जाएगी। ये मैंने तो कहीं और नहीं देखा, आई डोंट नो कि और किसी सिटी में होता है या फिर सिर्फ यहीं पर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ इन अंटालिया, और 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है कैपाडोकिया की। तो अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट टू कैच माई फ्लाइट। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होगी कैपाडोकिया की, एंड बिलीव मी यू डोंट वॉन्ट टू मिस दैट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अंटालिया वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बट ज़्यादा टाइम नहीं था तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट अभी चलते हैं एयरपोर्ट टू कैच द फ्लाइट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।